कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम शिवाली गोयल है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मुझे भगवद गीता के इस सेशन में सबसे अच्छी बात क्या लगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी, परेशानियों से भरे हुए इस जीवन में, इस अंधकार में जीवन में भगवद गीता ही रोशनी है। भगवद गीता ही एकमात्र रोशनी है जो हमें रास्ता दिखाएगी। तो भगवद गीता हमें रास्ता दिखाती है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है, हम सबके लिए सुनाई है। तो इसमें हमें सबको बताते हैं कि किस तरह हमें अपने जीवन में आगे चलना चाहिए। तो सबसे पहले अध्याय में भी अर्जुन ने जब दोनों सेनाओं का निरीक्षण किया तो उसने देखा कि दोनों तरफ उसके सगे संबंधी है, तो वो डर गया थोड़ा। तो उसे लगा कि मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ, मुझे तो इनको मारने में पाप लगेगा, मेरी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो उसने भगवान श्री कृष्ण को सारी बात बताई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको दूसरे अध्याय में समझाया कि आत्मा किस तरह अजन्मा और अनश्वर है, और किसी निष्काम कर्म योग के बारे में बताया कि हमें निष्काम कर्म योग किस तरह से लाभ पहुंचाता है, कि हमें अपने आप को कर्ता नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो करते हैं वो भगवान ही करते हैं, और कर्ता स्वयं भगवान है, और करने वाले और कराने वाले भी वो ही हैं। तो सब भगवान की इच्छा से होता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अगर हम इस एक ही लाइन को अपने जीवन में अपना के चले तो हमारा जीवन बहुत हद तक सुधर जाएगा, हम लोग टेंशन फ्री हो जाएंगे। आजकल के लोग भी बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो स्ट्रेस निकालने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है। भगवद गीता में हमें सब सिखाया जा रहा है इस चीज़ के बारे में। तो मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।